हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ अलग बता रही हूँ, कुछ हटके बता रही हूँ। वो है कि अगर आपने लो कर लिया है, अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? लगभग होता क्या है कि या तो हम तैयारी करने लग जाते हैं सिविल सर्विसेज की, या तो फिर सरकारी वकील बनने की, या तो किसी विभाग में हम जेल विभाग में हम उसकी तैयारी करते हैं, या तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम प्रैक्टिस के लाइन में चले जाएं और वहां पर हम अपनी जो पसंद का फील्ड होता है वह लेते हैं कि हमें क्रिमिनल की प्रैक्टिस करनी है, या तो हमें सिविल की प्रैक्टिस करनी है, या तो हमें जीएसटी का वकील बनना है, कमर्शियल वकील बनना है। इस तरह से हम लोग जो है अपनी वहां पे तैयारी करते हैं और अनुभव लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एलएलबी करने के बाद में आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जिन पर भी आप जो है यह ट्राई कर सकते हो कि आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। एलएलबी का जो सबसे बेस्ट फायदा ये रहता है कि जब भी आप 3 साल का कोर्स या 5 साल का जो कोर्स करते हो, वहां पे आपको करीब 30 के आसपास आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो वहां पे आपको मेनली सारे ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवा दी जाती है, लाइक कि आप कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई भी करते हो, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हो, आप बैंकिंग लो है, लेबर लो है, इस तरह से आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लो है, तो काफी जो लॉज होते हैं आप उनकी पढ़ाई करते रहते हो। तो उस दौरान आपके पास में जो है एक आपके पास एक आइडिया आता है कि आप किस चीज़ में आप बेटर जो परफॉर्मेंस दे रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट जो है आप अच्छे से उसको आपकी मजबूत पकड़ है उसमें। तो उससे रिलेटेड जो है अगर आप लो के बाद में उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे फील्ड होती है, लाइक इंश्योरेंस में अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छे मार्क्स आपके आए हैं, तो आप इंश्योरेंस लो में भी आपकी इस फील्ड में भी आपको जो है जॉब्स मिलती है, और बैंकिंग में भी, बैंकिंग के भी लॉ ऑफिसर्स काफी की वैकेंसीज निकलती रहती है। और जो अगर आपका आईपीसी और सीआरपीसी में बेस्ट है तो आप प्रैक्टिस में भी आ सकते हो कि और वहां भी आप बेस्ट वकील के रूप में अपना काम कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, मैं बोलती हूँ कि गोल्डन ऑप्शंस रहते हैं लो के बाद में। तो वो कौन सी मैं आपको आज जो है टॉप 5 जो है जॉब्स मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। उसके अलावा भी कुछ जॉब्स ऐसे बताऊंगी जो शायद उनकी वैकेंसी बड़ी ही कम निकलती रहती है, या तो फिर हम उनके बारे में अपडेट नहीं रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो, इसीलिए आपको ये वीडियो जो है पूरा देखना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक बात बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे चैनल पे नए आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए सबसे पहली जो वैकेंसी होती है वहां पे मैं बात करती हूँ वो होती है रिसर्चर की। जी हाँ, आपको हाई कोर्ट में भी यह जो ये वैकेंसी है वो निकलती है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो वैकेंसी ये पोस्ट जो है निकलते हैं। इसकी जो मेन बात ये होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे होती है, लाइक आपको ये परमानेंट नहीं रहती है, ये 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल इस लेवल की रहती है। लेकिन इस दौरान आपका जो काम करने का जो तरीका है वह बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको एक अच्छी सैलरी वहां से मिलती है, साथ ही आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वहां से मिलता है। तो यह जो एक जॉब होती है स्पेशली फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट जॉब रहती है रिसर्चर की, जो बहुत बार आप अगर आप देखते हो कि अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो उस भी स्टेट का जो हाईकोर्ट का वेबसाइट है आप वहां पे जाके विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो वैकेंसीज है ये निकलती रहती है और आप जो है वहां पे आप आवेदन अपना डालिए। इसके लिए मेन क्या रहता है, मेन आपका जो है कि आपका जो टेक्निकल जो पार्ट है आपकी स्टडी का, कंप्यूटर पे आपका जो हाथ बैठा हुआ है, टाइपिंग पे कंप्यूटर आपको अच्छे से आना चाहिए, आपका जो टेक्निकल है आपको रिसर्च करना आना चाहिए। अगर आप लीगल स्टूडेंट्स हो तो आपको ये आना चाहिए कि मनुपात्रा जो है उसको आप कैसे देखो, या जो केस लॉज है उसको आप कैसे देखते हो, तो लाइव लो जो है उन पे जो केसेस आते हैं उन पर आप कैसे रिसर्च करते हो, ताकि एक लंबा जो टाइम है वहाँ पे आपको बचाए और कम समय पे आप जो है अच्छी रिसर्च जो है दे पाओ। तो एक सबसे बेस्ट ये जॉब होती है जो हर साल निकलती है और इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आते भी है। बात करते हैं दूसरी जो टॉप मैं बता रही हूँ जो मेनली निकलती ही रहती है, दूसरी जो एग्ज़ाम है वह है, दूसरी जो एग्ज़ाम होती है वो मेनली कैंडिडेट्स को काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, वह है IBPS एग्ज़ाम्स। जी हाँ, बैंक के एग्ज़ाम होते हैं जो कि PO के पोस्ट पे होते हैं, SO के पोस्ट पे होते हैं, और यह एक जो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये मेनली ये साल में एक ही बार कंडक्ट करवाया जाता है।
तो यह भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है एलएलबी के बाद में। अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो आप बैंक के एक अच्छे जो है लॉ ऑफिसर बन सकते हो, आप अपनी सेवाएं लॉ ऑफिसर बन के बैंक में दे सकते हो। अच्छा, मैंने जब बताया कि जो आप बैंक के लॉ ऑफिसर बनते हो तो मेनली मैं देखती हूँ कि बैंक की जो तैयारियां भी काफी सारी होती है, कि काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं इसकी तैयारी भी करते हैं, तो इसमें किन किन चीजों की आपको आवश्यकता होती है। आपके पास लॉ डिग्री होना जरूरी है, साथ ही आपको जो एनरोलमेंट, अगर आपका स्टेट में एनरोलमेंट नहीं है तब आप ये एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि लॉ की डिग्री के बाद में आप जो है स्टेट बार में अपना नामांकन जरूर करवाइए। मेनली जो ये एग्जाम होता है वह कमर्शियल लॉ के जो क्वेश्चंस जो रहते हैं वहाँ इन क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रहती है, तो आप ये जो सब्जेक्ट है इस पर अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाइए। इसलिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हैं और अगर आपके बैंकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो ये IBPS का जो ये एग्जाम जो हर साल कंडक्ट होता है उसमें आप जो है पक्का इसमें आवेदन कीजिए। इसमें जो सफलता होती है वह निश्चित ही होती है। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट एग्जाम की, और वह है हमारा सब जो है बोलते हैं ना कि बाकी सब नौकरियां होती है, नौकरी सिर्फ यही होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ UPSC की। आप एज अ लॉ स्टूडेंट आपका एक लीगल सब्जेक्ट यहाँ पे आप ले सकते हो, लीगल सब्जेक्ट के साथ जो है आप UPSC की तैयारी कर सकते हो। मेनली इसमें क्या रहता है कि UPSC में आपको दो लगभग 15 लाख जो है बच्चे इसमें हर साल बैठते हैं, हर साल यह भी निकलती रहती है और बहुत ही टफ एग्जाम होती है। इसलिए जो इस बार भी जैसे हिंदी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छा जो है स्थान लेकर आए हैं। अगर हम टॉप 5 की बात करते हैं तो वहाँ पे हिंदी मीडियम जो है काफ़ी उभर कर आया है, तो अभी सब्जेक्ट पे हम लोग अच्छे से यहाँ पे पकड़ बना सकते हैं। अगर हमारा लो अच्छा है, हमारी लीगल पे पकड़ अच्छी है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और सफलता बिल्कुल यहाँ पर भी मिल सकती है। तो UPSC एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लॉ स्टूडेंट के लिए भी। अगर आप जो है UPSC की तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है दो पेपर से गुजरना होता है। दो पेपर का मतलब है कि जो फर्स्ट पेपर होता है वहाँ पे जो है आपको MCQs पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और नहीं रहता है वहाँ पे, वो आपको GK, रीजनिंग ये सब रहता है। तो दूसरा पेपर जो होता है ना वहाँ पे आपको 9 अलग से पेपर्स मिलेंगे। वहाँ पर ये रहता है कि आपके पास में सब्जेक्टिव पेपर्स भी रहते हैं और ऐसा है कि दो पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ उनके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, बाकी के 7 पेपर जो रहते हैं उनके मार्क्स भी ऐड होते हैं। साथ ही आपको इंटरव्यू रहता है, तो इंटरव्यू भी आपका जो रहता है करीब मैं देखूं तो इंटरव्यू भी जो है अच्छे मार्क्स में होता है। तो कई बार क्या रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वह लगभग सिमिलर ही मार्क्स में आते हैं, लेकिन इंटरव्यू तय करता है कि मेरिट किसकी ज़्यादा बन रही है। तो इंटरव्यू में भी आपको जो है जो आपका सब्जेक्ट का ज्ञान जो है वह आपका काम आ सकता है, आपका अपडेट रहना आपके काम आ सकता है। डे टू डे डेली लाइफ में जो लीगल अपडेट्स हो रहे हैं और जो देश की घटनाएं हैं, खैर वह तो होती ही है इंटरव्यू में, जो सारी चीज़ें होती है कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है वह तो सभी हम जानते ही हैं। तो एक कहने का मतलब है कि UPSC में भी अगर लीगल सब्जेक्ट के साथ अगर आप ट्राई करते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा, अगला जो एग्ज़ाम है वह है कि SSC CGL का जो एग्ज़ाम होता है वह हर स्टेट का होता है। इसमें भी आपको जो है मौका मिलता है लॉ ऑफिसर बनने का। इसमें लॉ ऑफिसर में कैसे होता है, लाइक कि आपको जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टाफ सिलेक्शन जो है कमीशन होता है, ये आपको पता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको यहाँ पे मिल सकती है अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो, और अगर आपने यहाँ पे इस पे आवेदन किया है और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिलमेंट अगर आपने किया है तो वहाँ पर आपको जो है इनकम टैक्स जो है इंस्पेक्टर की आपको पोस्ट मिल सकती है। दूसरी है कि पब्लिक फाइनेंस है और भी बहुत सारी इसमें जो पोस्ट दे रखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी इस पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ आपको इतने बताऊंगी कि यह भी एक एग्ज़ाम है जिसमें कि लॉ की डिग्री को मांगा जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं इसमें फॉर्म फिलअप भी करते हैं। इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आते हैं इसलिए यहाँ पर भी एक अच्छा गोल्डन जो मौका है वह आपको मिल सकता है। अच्छा, जो एक अगली जो एग्ज़ाम है जो आप एक लॉ स्टूडेंट दे सकता है वह मैं बता रही हूँ, वह मेनली वह आपको सुनने में बहुत कम आती होगी लेकिन यह वैकेंसी भी आती है। तो उसका नाम है जज एडवोकेट जनरल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JAG, जग एग्ज़ाम।
ये क्या होता है बेसिकली, अगर आप इंडियन आर्मी के शौकीन हो, अगर आप शौकीन का मतलब है कि अगर आप में पूरी क्वालिफिकेशन है, अगर आप इंडियन आर्मी के लिए बने हो, लाइक कि आपकी एक अच्छी हाइट होनी चाहिए, आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए, आपकी आंख सही हो और आपकी हाइट अच्छी आ रही है, ये सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, अगर आपकी आपको लगता है कि आप एक फिट हो, आपको किसी भी तरह कोई डिजीज नहीं है, तो वहाँ पर जो है आप इस इंडियन आर्मी में जाने का भी आप सोच सकते हो। इंडियन आर्मी में भी आपको जो है आपको वहाँ पे पोस्ट मिलेगी। इसमें क्या रहता है इसका भी मैं आपको फुल वीडियो बना के दे सकती हूँ अगर आप मुझे बोलते हो तो। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी कि इसमें क्या होता है। बेसिकली इसका कोई रिटर्न एग्जाम या प्रीलिम्स नहीं होता है, इसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद में जो है इसमें शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में जो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनको जो रिलेटेड बोर्ड है जिन्होंने की यह है रिक्रूटमेंट निकाली होती है, वो इनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में मेनली ये रहता है कि आपका जो मेडिकली आप फिट होने चाहिए, आपका जो एक हाइट देखी जाती है कि इसमें मेल कैंडिडेट के लिए एक पर्टिकुलर हाइट बताई जाती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए पर्टिकुलर हाइट रहती है, तो वहाँ पर आपका जो है दायरा वहाँ उसके तक आना चाहिए, आप उस चीज़ में फिट होने चाहिए। अगर आप एक इंच भी कम हो तो भी आपको वहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। कहते हैं ना कि सेना में एक इंच भी कम नहीं चलता है, तो वही है। तो अगर आप यहाँ पर भी अपनी पोस्ट लेना चाहते हैं, इसमें भी काफ़ी सारी पोस्ट जो है लीगल पोस्ट जो है आती है, तो अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी जो है इसकी भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो वैकेंसी के बारे में आपको मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप उस भी वैकेंसी पे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हो। वह है RBI के एग्ज़ाम्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ RBI बैंक के एग्ज़ाम। यहाँ पर वहाँ पर भी आप जो है लॉ ऑफिसर बन सकते हो, इसकी भी पोस्ट आती है। हाँ, यह थोड़ी कम आती है, यह वैकेंसी आपको जल्दी से नहीं दिखती है कि RBI की एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या RBI की अपडेट्स आपको कम मिलती है। इसके लिए आपको खुद को अपडेट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी चीज़ मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लीगल अपडेट्स है, लीगल एग्ज़ाम्स है, उनकी आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी। बात करते हैं RBI जो एग्ज़ाम्स होती है, RBI के लॉ ऑफिसर्स रहते हैं, उनका क्या काम रहता है और वो कैसे बनते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो RBI में बेसिकली जो लीगल इश्यूज होते हैं या तो वहाँ की जो फ्लेटिंग ड्राफ्टिंग होती है, उन पर आपका ये पोस्ट मिलती है। और RBI की तरफ से जो है आप कोर्ट में जो है आप RBI को प्रेजेंट करते हो। एज की बात करते हैं तो इसकी जो एज बता रखी है वह 21 साल से 32 साल की उम्र लास्ट बता रखी है। हाँ, इसमें भी रिजर्वेशन होता है, एज का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। वह पूरी इसके फॉर्म में रहता है कि कब कौन सी कंडीशन में आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे LLM कर रखा है या तो आपने PhD कर रखा है, तो वहाँ पर भी आपको एज का रिलैक्सेशन जो है वहाँ पर आपको मिलेगा। और इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉ डिग्री ही है। अगर आप इस एज में हैं कि आपकी लॉ डिग्री से हो रहा है, अगर आपने LLM कर रखा है और आप ज़्यादा एज में हो, तब भी आपको यहाँ पे जो है फ़ायदा मिल सकता है। RBI के लिए मेनली दो एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला तो जो रहता है वो GK का रहता है, जनरल नॉलेज का रहता है, ऑफ लॉ का रहता है, और दूसरा जो एग्ज़ाम रहता है वह इंग्लिश का रहता है। और इसका आप जो पूरी अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो एज यूजुअल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स चाहते हैं, तो मैं पूरी डिटेल्स आपको दूंगी। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता ही रही हूँ कि ऐसे एग्ज़ाम्स भी होते हैं। और लास्ट में जो एक एग्ज़ाम है वह मैं बताऊँगी, वह है स्टॉक मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। यस, आपने सही गेस किया होगा, ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, सेबी के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। सेबी का जो इस पर भी लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज जो होती है वह निकलती है और बहुत ही रेपुटेटेड एग्ज़ाम होती है यह भी। इसमें भी अगर आपको पोस्ट मिलती है, अगर आपको जगह मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मेनली इसकी वैकेंसीज भी जो बहुत कम आती है, बहुत इसकी पोस्ट भी बड़ी कम ही होती है। इसके लिए भी इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे हमें अपडेट रहना होता है कि कब ये वैकेंसीज आ रही है। और इसकी जो एज बता रखी है वह 30 तक आप एक जो है कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकता है। एक मैं बोलूँगी एक फ्रेश लॉयर के लिए या फ्रेश जो ग्रो जो रहता है लॉ ग्रेजुएट रहते हैं उनके लिए यह है एक अच्छा मौका है। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर भी अपना जो है लक आप ले सकते हैं।
तो आशा करती हूँ कि जो मैंने ये पूरी एग्जाम्स की जो पूरी सीरीज बताई है, मैंने स्पेशली यहाँ पे टॉप गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करी है, उसके अलावा प्राइवेट में तो लॉ फील्ड में काफ़ी सारी जो है एग्जाम्स होती ही रहती है, काफ़ी कंपनीज है या काफ़ी सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर कि आपको अगर आपने लॉ किया है तो वहाँ पर आपको जो है जॉब मिलती है, प्राइवेट जॉब्स आपको मिलती ही रहती है। आप टीचिंग लाइन में जाते हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही एक एग्ज़ाम्स की बात करी है, टॉप गवर्नमेंट की, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स रहते हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनको इनकी तैयारी कैसे करते हैं और इनमें कितना गहराई में कि इनका सिलेबस क्या क्या रहता है, कैसे इनके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कब कंडक्ट करवाई जाती है, ये अगर आप सब चाहते हैं कि मैं इन पर भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करते हो आपको, आप सभी को मेरा ये वीडियो है जो मैंने इस पर बनाया है वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।